So today we will discuss about the mole concept. Okay, as the name suggests, name दिया है mole. Okay, वो mole क्या है वो देखेंगे. Okay, but before that we'll take the example of hydrogen. We'll see the reaction between hydrogen and oxygen. एक reaction देखते हैं हम लोग. Okay, so consider hydrogen plus oxygen. It is reacting to form H2O. Okay, H2O water. H2 इसको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा. सो इट विल बी राइट नाउ ट्वाइस H2. आप देख सकते हो यहाँ पे. ओके, सो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ओके रिएक्ट्स विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव राइज टू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. ओके, ये क्या है? वाटर है. ओके, सो द अबव रिएक्शन इंडिकेट्स दैट. ओके, जैसे भी मैंने बोला. ओके, अबव ये जो रिएक्शन है ये क्या बता रहा है हमें? दिस रिएक्शन इज टेलिंग अस दैट टू मॉलिक्यूल्स किसके? हाइड्रोजन के. ओके, सो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इट इज रिएक्टिंग टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. बराबर है? हम लोग इसको कैसे रीड करेंगे? इन दिस वे वी कैन रीड. ओके, द अनदर वे द दिस रिएक्शन इट कैन बी रीड एज फोर यूनिफाइड मास. ओके, ये देखो, फोर यूनिफाइड मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. ओके, फोर यूनिफाइड मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और फोर एटॉमिक मास यूनिट. क्योंकि ये यू क्या है? यू क्या है? जैसे जैसे अभी जस्ट मैंने बताया, व्हाट इज यू? इट इज अ यूनिफाइड मास. ओके, एटॉमिक मास यूनिट. सो फोर एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कंबाइंस विथ. ओके, कंबाइंस विथ 32 यूनिफाइड मास और 32 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म कितने हो जाएंगे? 32 प्लस 4 इट इज 36 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. समझ में आया? तो दो वेज में मैंने इसको रिप्रेजेंट किया. ओके, पहले मैंने क्या बोला? पहले मैंने ये बोला कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. ओके, और सेकंड में मैंने क्या बोला कि फोर यूनिफाइड मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 32 यूनिफाइड मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड 36 यूनिफाइड मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. तो इन दोनों नॉमेनक्लेचर में आपको कौन सा इजी लगता है? कौन सा इजी लगता है बताओ? विच वन इज इजी टू रीड? जो मैंने बोला था टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन व्हेन कंबाइंस विथ वन, यहाँ पे क्या रहेगा? वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू गिव राइज टू टू वाटर मॉलिक्यूल. बराबर है ना? तो ये सिंपल है. ओके, सो इट इज वेरी सिंपल. सो फॉर एवरी रिएक्शन, ओके, फॉर एवरी रिएक्शन वी आर एडिंग दिस कोएफिशिएंट. हम लोग उसके आगे कोएफिशिएंट लिखते हैं. दैट कोएफिशिएंट इंडिकेट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम. ओके, ये हाइड्रोजन एटम है, उसके कितने मॉलिक्यूल्स है? टू मॉलिक्यूल्स है. ओके, इन दिस वे इट इज वेरी इजी. ओके, इट इज कन्वीनियंट. ओके, सो बट मोर कन्वीनियंट. ओके, इससे भी ज्यादा कन्वीनियंट है. देयरफॉर इज मोर कन्वीनियंट टू रेफर द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स और एटम्स. सो ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ओके, सो ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इसमें ये रिप्रेजेंट करना, इसमें ये रिप्रेजेंट करना, इसमें ये रिप्रेजेंट करना बहुत ही कन्वीनियंट होता है. ओके, इजी होता है. एंड टू रिफर द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स और एटम. ओके, रादर देन देयर मासेस. जैसे ये जो एक्सप्लेनेशन दिया हमने, ये वाला किसमें है? मास में. ओके, 4U. ये 4U कैसे है? हाइड्रोजन का यूनिफाइड मास एक इसके लिए, एक एटम के लिए कितना है? 1 है. तो देखो, 2 हो गए हाइड्रोजन एटम और मॉलिक्यूल्स कितने हैं टोटल? 2. तो 2 × 2 = 4, दैट्स वाई 4 यूनिफाइड मास. ओके, ऑक्सीजन के एक इसका कितना है? 16 यूनिफाइड मास है. तो यहाँ पे कितने हैं? 2 एटम्स है. तो 2 × 16, ये हो गया 32. दोनों को ऐड कर दो, इसका आंसर आ गया. ओके, सो टोटल मास. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड दिस. ओके, और टू डिस्क्राइब एनी रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ देयर मास. ओके, एंड वेरी इजी वे द न्यू यूनिट दैट इज कॉल्ड एज मोल वॉज इंट्रोड्यूस. सो वन मोल ऑफ एनी स्पेसीज. ओके, वन मोल ऑफ एनी स्पेसीज
ओके सो ये टर्म आया, ये नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, कौन सा? मोल. ओके, रैदर देन एक्सप्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आल्सो, रैदर देन एक्सप्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ मास आल्सो, इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मोल्स. ओके, मोल्स के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं. एंड हाउ टू एक्सप्रेस इट? वन मोल ऑफ एनी स्पेसीज. ओके, तो वो क्या हो सकता है? ओके, एटम्स, मॉलिक्यूल्स. ओके, स्पेसीज कॉल्ड एज एटम्स, मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो आप इसको, मॉलिक्यूल्स. ओके, और यू कैन कॉल इट एज आयंस. ओके, आयंस. ओके, सो आयंस और पार्टिकल्स इज दैट क्वांटिटी इन नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस इन ग्राम. ओके, तो हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे? वन मोल विल बी इक्वल टू जो मास रहेगा उस पर्टिकुलर एटम का, किसमें? या तो ग्राम में. ओके, और उसका मॉलिक्यूलर मास रह सकता है ग्राम में, या फिर एटॉमिक. ओके, एटॉमिक मास रह सकता है. सो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ओके, सो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स व्हाट? द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और द नंबर ऑफ स्पेसिस. ओके, पार्टिकल्स में क्या क्या आते हैं? एटम्स भी आते हैं पार्टिकल्स में. एटम्स को भी पार्टिकल बोला जाता है केमिस्ट्री में. ओके, मॉलिक्यूल्स को भी पार्टिकल बोला जाता है केमिस्ट्री में, और आयंस को भी पार्टिकल बोला जाता है. सो व्हेनेवर वी आर यूजिंग द वर्ड पार्टिकल्स, उसका मीनिंग क्या है? आइदर वो एटम्स हो सकते हैं, आइदर वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आइदर वो आयंस हो सकते हैं. ओके, सो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस. ओके, वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल रहेंगे, वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ओके, अभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, उसका मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स में क्या क्या आते हैं? आइदर एटम्स आते हैं, मॉलिक्यूल्स आते हैं, और या फिर आयंस आते हैं. तो वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज गिवन बाय द वैल्यू दैट इज कॉल्ड एज 6.022 इंटू 10^23. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी एक सब्सटेंस ले लो, ऑक्सीजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, कार्बन ले लो, कोई भी ले लो, उसका वन मोल ऑफ दैट सब्सटेंस क्या होगा? कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे उसमें? उसमें 6.022 × 10^23 नंबर पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट रहेंगे. ओके, एंड दिस इज एन एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेंड वैल्यू. ये जो वैल्यू जो ऑब्टेंड हुई है 6.022 × 10^23. ओके, सो दिस इज एन एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेंड वैल्यू एंड दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस कॉन्स्टेंट. इसको क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस. ओके, ये याद रखो, एवोगैड्रोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आता है हमेशा, एवोगैड्रोस कॉन्स्टेंट. ओके, तो एक साइंटिस्ट था एवोगैड्रो. ओके, सो उसके बेसिस पे उसके नाम पे दिया गया है एवोगैड्रोस कॉन्स्टेंट. और एवोगैड्रोस नंबर भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर भी बोला जाता है, एवोगैड्रोस नंबर भी बोला जाता है. ओके, ये वैल्यू याद रखो, 6.022 × 10^23. ओके, सो बेस्ड ऑन एवोगैड्रोस, सो नेम इन ऑनर ऑफ इटालियन साइंटिस्ट अमेडियो एवोगैड्रो. ओके, एक साइंटिस्ट था. सो वन मोल ऑफ एनीथिंग, वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, वन मोल ऑफ एनीथिंग विल बी हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स? 6.022 × 10^23 नंबर ऑफ द पार्टिकल्स. ओके, लाइक जैसे हम लोग बोलते हैं ना, डजन, वन डजन, वन डजन, वन डजन मीन्स वॉट? इट इज अ 12 नंबर, बराबर है ना? सो इन द सेम वे दिस वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज गिवन बाय दिस कॉन्स्टेंट वैल्यू. ओके, सो बिसाइड्स बींग रिलेटेड टू नंबर, अ मोल हैज वन मोर एडवांटेज. इसका एक और एडवांटेज ये भी है कि द दैट मास ऑफ वन मोल ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज ऑल्सो फिक्स्ड. ओके, तो मास ऑफ वन मोल ऑफ, ओके, मास ऑफ वन मोल ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज ऑल्सो फिक्स्ड. ओके, लाइक द मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास. ओके, तो ये कैसे? तो दैट वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ चार्ट. आप लोग देख सकते हो, ओके, फिगर नंबर 3.5 में एक्सप्लेन किया गया है, फिगर नंबर 3.5 में एक्सप्लेन किया गया है कि ये कैसे सेम है जो हमने लिखा है एवोगैड्रोस नंबर. ओके, हाउ वी कैन कोरिलेट दिस एवोगैड्रोस नंबर विद एटॉमिक मास और द मॉलिक्यूलर मास. ओके, मॉलिक्यूलर मास तो ये कैसा है, तो वो देखेंगे हम लोग. सो इफ वन मोल ऑफ कार्बन एटम, ओके, वन मोल of
कार्बन एटम, ओके, वन मोल ऑफ किसके, कार्बन एटम्स के, दैट विल बी इक्विवेलेंट विथ व्हाट, 6.022 इनटू 10^23, ओके. अभी हमें पता है कि वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस क्या होता है, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं. सो वी कैन राइट डाउन 23 एटम्स ऑफ कार्बन. यानी समझ में आया आप लोगों को, एक मोल ऑफ कार्बन एटम में कितने कितने आएंगे, कितने पार्टिकल्स आएंगे, कितने एटम्स आएंगे उसमें, कितने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे. सो उसमें 6.022 इंटू 10^23, ओके, 23 एटम्स ऑफ कार्बन इतने आएंगे, ओके, एंड दैट इज इक्विवेलेंट विथ 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, ओके, 12 ग्राम. अभी देखो कैसे 12 आया, अगर आप लोग देखोगे चार्ट में, ओके, कार्बन के लिए एटॉमिक मास देखो आप लोग, ओके, सो यू विल ऑब्जर्व दैट फॉर अ कार्बन द एटॉमिक मास, ओके, आप देख सकते हो टेबल 3.2 से, सो एटॉमिक मासेस ऑफ फ्यू एलिमेंट्स दिया हुआ है, आप लोग देखो उसमें, उस टेबल में कार्बन के लिए देखो, ओके, सो कार्बन के लिए एटॉमिक मास यूनिट कितना है, 12U. व्हाट इज दिस 12U? 12 एटॉमिक मास यूनिट, ओके, दैट इज इक्वल्स टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स, ओके. तो हमने क्या किया, कोरिलेट किया किससे, वन मोल से. वन मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कितना उसका एटॉमिक मास यूनिट है, कितना है उसका एटॉमिक मास 12U. That is 12 unified mass, and that 12 is nothing but 12 gram of carbon atom. Okay, 12 gram of carbon atom. Okay. दूसरा example लेते हैं, one mole of hydrogen atom. Okay, अभी one mole of hydrogen. यह लिखता हूँ मैं सिर्फ hydrogen atom. Okay, आप बोल सकते हो अभी इसमें क्या हो जाएगा, ये one mole of hydrogen atom is equals to, it is 6.022 into 10^23 एटम्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, बराबर है. तो एक मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आएंगे, कितने नंबर ऑफ उसके पार्टिकल्स आएंगे, तो 6.022 इंटू 10^23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आएंगे. हाइड्रोजन का एटोमिक मास क्या है, देखो फिर से उस चार्ट पे देखो आप लोग, ओके, हाइड्रोजन का कितना है एटॉमिक मास, ओके, यू में, यूनिफाइड मास में हाइड्रोजन का कितना है, 1, ओके, सो क्या लिख सकते हो आप इसमें, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ओके, इन दिस वे यू कैन राइट डाउन. सो जनरलाइज्ड फॉर्मूला, जनरलाइज्ड स्टेटमेंट आप कैसे लिख सकते हो, वन मोल ऑफ एनी पार्टिकल, ओके. तो ये अभी देखो हमने कार्बन के लिए देखा एग्जांपल और हाइड्रोजन के लिए देखा, जनरलाइज अभी हम लोग लिखेंगे वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस. सो वन मोल ऑफ एनी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल रह सकता है. अभी पार्टिकल में हमें पता है, पार्टिकल में व्हेनेवर वी आर यूजिंग द वर्ड पार्टिकल, पार्टिकल का मीनिंग क्या होता है, या तो वो एटम्स हो सकते हैं, या तो वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या तो वो आयंस हो सकते हैं, या तो वो क्या हो सकते हैं, एटम्स, आयंस, ओके, और इट कैन बी मॉलिक्यूल्स, ओके, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ओके, मॉलिक्यूल्स, ओके. सो नाउ हाउ वी कैन से अबाउट दिस एवोगाड्रो नंबर, सो 6.022 इंटू 10^23 नंबर ऑफ दैट पार्टिकल, ओके, सो 6.022 इंटू 10^23 नंबर ऑफ That particle, number of that particle. जो भी ये particle है, कोई भी हो सकता है, hydrogen, oxygen, nitrogen, जो भी particle है, जो भी ये atom है, okay. So one mole of any particle will be equals to 6.022 into 10^23 number of that particle. अभी लिखा है, that is what called as a Avogadro's number, and the उसका mass क्या होगा, relative mass of those particles in gram, okay, relative mass of those particles in gram of mass of those
particles in gram, those particles in gram. Okay, so in this way this is a generalized formula. जैसे अभी हमने इसके के लिए निकाला, कार्बन के लिए निकाला, हाइड्रोजन के लिए निकाला, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे, कितने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे. ओके, सो वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू दिस नंबर ऑफ एटम्स. ओके, देख सकते हो आप, ये रिप्लेस कर दो. ये देखो, वन मोल ऑफ एनी पार्टिकल जो है ना, पार्टिकल में क्या वर्ड रिप्लेस करो आप, एटम रिप्लेस करो, बराबर है. ये देखो पार्टिकल, ये देखो ये वाले वर्ड है और ये वाले तीन वर्ड है नीचे जो लिखे हुए, तो एक एक रिप्लेस करते जाओ, आपको इसका नीचे में आंसर डायरेक्ट मिलते जाएगा. देखो कैसे, वन मोल ऑफ एनी एटम will be equals to 6.0223 that number of that atoms. बराबर है, तो ये पार्टिकल की जगह पे ये वाला वर्ड एड करते जाओ, बराबर है, आपको बराबर उसका आंसर मिलते जाएगा. वन मोल ऑफ एनी आयंस विल बी इक्वल टू 6.0223 इंटू नंबर ऑफ दैट आयंस. ओके, कितने नंबर ऑफ आयंस आएंगे वन मोल में, तो इतने नंबर ऑफ आएंगे. समझ में आए, तो एक एक वर्ड आप ऐसे रिप्लेस करते जा सकते हो. ओके, वन मोल ऑफ एनी पार्टिकल इज इक्वल टू रिलेटिव मास ऑफ दोज एटम्स इन ग्राम. बराबर है, देखो जो भी सर्कल में मैंने किया है, आप ये एक एक वर्ड रिप्लेस करके उसके लिए आप लोग इक्वेशन बना सकते हो. किसके लिए? पार्टिकल्स के लिए. पार्टिकल्स कौन से है? या तो एटम्स हो सकते हैं, या तो आयंस हो सकते हैं, या तो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं? एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स. पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स. ओके, इन दिस वे इट कैन बी कैलकुलेटेड. सो वन मोल ऑफ अ मॉलिक्यूल, ओके, वन मोल ऑफ अ मॉलिक्यूल विल बी इक्वल्स टू, ओके, तो देखो पार्टिकल की जगह पे क्या करो, मॉलिक्यूल्स रख दो. वन मोल ऑफ एनी एटम्स, तो ये पार्टिकल की जगह पे एटम्स रख दो. ओके, सो इन दिस वे वन कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस. सो द मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू रिलेटिव एटोमिक और मॉलिक्यूलर मास. ओके, एटोमिक मास, ओके, और मॉलिक्यूलर मास, ओके, नंबर ऑफ एटम्स. ओके, so to get mass of one mole of atom of that element, that is molar mass, we have to take same numerical value but change the unit from U to G. देखो जैसे मैंने आपको बोला था कार्बन का उस टेबल में आपको चेक करो, मैंने बोला था. ओके, आप देखो उस टेबल में, टेबल नंबर 3.2 में what is the atomic mass of carbon, that is 12 U दिया हुआ है. बराबर, कितना दिया हुआ है? 12 U दिया हुआ है. ओके, 12 यूनिफाइड मास. तो U के जगह पे हमें क्या करना है? सिर्फ हमें G लिखना है. क्या लिखना है? G. तो that is a grams of atom. So in this way, it is very convenient. It is very easy to change one mole of any substance. समझ में आया? आप लोग देख सकते हो. With these two examples, you can easily understand. आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो. कौन सा एटम है? कार्बन का है. बराबर है, कार्बन का है. ओके. तो चलो हम लोग इसके दूसरा एग्जांपल लेते हैं. सपोज जो नहीं दिया है यहाँ पे, नाइट्रोजन का ले लेते हैं. चलो नाइट्रोजन का लेते हैं. ओके, मैं कैसे बोल सकता हूँ यहाँ पे वन मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम. ओके, वन मोल ऑफ नाइट्रोजन अगर मैंने लिया, नाइट्रोजन एटम, तो नाइट्रोजन एटम का कितना एटोमिक मास है आप देख सकते हो उस टेबल पे, 14. तो कैसे लिखेंगे हम लोग इसमें उसका मॉलिक्यूलर, उसका जो मास कैसे लिख सकते हैं हम लोग? वी कैन राइट डाउन इट एज अ 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम. समझ में आया? सिर्फ क्या करना है हमें? सिर्फ जो वैल्यू है एटॉमिक मास यूनिट की वो यहाँ पे पुट अप करना है और यू के जगह पे क्या लिखना है? जी. एंड वी विल गेट द वैल्यू, ओके, वी विल गेट द रिलेटिव मास ऑफ दैट पर्टिकुलर, ओके, रिलेटिव मास मिल जाएगा उसका इन ग्राम में. ओके, देखो रिलेटिव मास मिल जाएगा उसका इन ग्राम्स में. ओके, सो दिस इज अ जनरल फॉर्मूला. ओके, ये क्या है? जो थर्ड नंबर पे जो मैंने लिखा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ओके, एग्जाम्पल से, और थर्ड नंबर पे जो लिखा है मैंने, ये क्या है? जनरल फॉर्मूला है. जनरल फॉर्मूला सो दैट यू कैन फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी देयर इन वन मोल. ओके, वन मोल ऑफ एटम्स के लिए, वन मोल ऑफ आयंस के लिए, और वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए. ओके, हाउ मेनी रिलेटिव मास भी निकाल सकते हो, और कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, कितने नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स है, वो भी आप इस इक्वेशन से आप लोग निकाल सकते हो. ओके, सो For example, atomic mass of hydrogen is 1 U. Okay, atomic mass of hydrogen कितना है? 1 U है. So gram atomic mass of hydrogen will be 1 gram. Okay, अभी इसको मिटा देता हूँ मैं. Okay, ऊपर वाले portion को मिटा देता हूँ. Yes. Now, look at this. If, for example, atomic mass of hydrogen. Okay, atomic mass.
इफ वी वांट टू फाइंड एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1U, आप देख सकते हो टेबल से 1U है, ओके. सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास किसका, हाइड्रोजन का, ये क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया, इंस्टीड ऑफ यू सिर्फ क्या कर देना है हमें, जी कर देना है, ओके. सो 1U of hydrogen has only one atoms of molecule. So 1 gram of hydrogen has 1 mole of atoms. Okay. और एक 1 mole में कितने रहते हैं? 6.022 × 10^23 atoms of hydrogen रहते हैं. Okay. So हम लोग लिखेंगे यहाँ पे that one atomic mass unit of hydrogen has one atom of hydrogen. Okay. मैं यहाँ पे लिखता हूँ one atomic mass unit. Okay. What is U? Atomic mass unit of hydrogen, hydrogen has one atom of hydrogen, okay, has one atom of hydrogen, okay, one atom of hydrogen, okay. देखो फिर से एक बार, जो 1U लिखा है हमने, 1U is what, one atomic mass unit और one unified mass भी बोलते हैं, okay. पहले तो ये जो उसका जो नॉमिनक्लेचर है वो आपको समझ में आना चाहिए, व्हाट इज यू, इट इज एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास, ओके. सो वन यूनिफाइड मास हाइड्रोजन हैज वन एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ओके, वन एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होता है, और वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ओके, वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन अभी लिखा हम लोगों ने, देखो अभी लिखा हम लोगों ने, वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, वन ग्राम ऑफ हाइड्रो, एक ग्राम की क्वांटिटी, ओके, वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन will be equals to one mole atoms, okay, that is equals to one mole atoms, okay, one mole atoms of the hydrogen, okay, hydrogen. और हमें पता है कि one mole यानी क्या है, one mole यानी क्या है, that is 6.022 × 10^23 atoms of hydrogen, okay, atoms of हाइड्रोजन, ओके. सो ये एक मेक से आप कोरिलेट कर सकते हो ऐसे, ओके, इन दिस वे यू कैन कोरिलेट, ओके, 6.022 × 10^23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ओके, जैसे मैंने बोला था वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी इक्वल्स टू, ओके, दैट इज वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ओके, वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और दैट इज इक्वल्स टू 6.022 × 10^23 एटम्स ऑफ द हाइड्रोजन, ओके. सो सिमिलरली फॉर ऑक्सीजन के लिए भी आप लोग ऐसे निकाल सकते हो, एंड दैट इज व्हाई दिस, ये जो मोल है, ओके, टू फाइंड ये जो मोल यूनिट है, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो द वर्ड मोल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ओस्टरवाल्ड, ओके, ओस्टरवाल्ड, विलियम ओस्टरवाल्ड, हु डिराइव्ड द टर्म फ्रॉम लैटिन वर्ड मोल्स, ओके. सो उसने ये डिराइव किया था मोल ये टर्म, ओके. So now we'll compare this. Okay, we will find what is mean by molar mass. Molar mass क्या होता है? हमने देखा हुआ है already. Okay. So then we will write down the equations which we will be using for solving numerical. Okay, देखो mass of any substance. Okay, suppose mass. Okay, मैं लिखता हूँ पहले mass of any substance. Any substance. मास ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी एटम्स हो सकता है उसमें, कुछ भी हो सकता है, मास ऑफ एनी सब्सटेंस विल बी इक्वल्स टू, मास ऑफ एनी सब्सटेंस विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, ओके, ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वाली, ओके, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ओके, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स आ रहे, ओके, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स आ रहे, ओके, देन नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय इट्स मोलर मास, उसका जो सब्सटेंस है ना, जो सब्सटेंस यूज किया है उसका मोलार मास, उसका क्या है, मोलार मास हमें पता होना चाहिए. तो देखो कैसे कैसे हम लोग निकालेंगे अभी, ओके, कैसे हम लोग इसको लिखेंगे. तो देखो मास ऑफ एनी सब्सटेंस, मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, मास को किससे रिप्रेजेंट करते, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते, ओके, मास ऑफ एनी सब्सटेंस विच इज इंडिकेटेड बाय एम, ओके. नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते, दिखाई दे रहा है सब लोगों को,
ओके, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलार मास जो होता है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इफ वी वांट टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स, ओके, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकाल सकते हैं, ओके, कैसे निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ओके, सो दिस इज मास इज इक्वल्स टू एन कैन बी फाइंड आउट बाय एन अपॉन एन नॉट, ओके, इन टू एम, ओके, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे व्हाट इज एन, एन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ओके, एन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच इज प्रेजेंट, ओके, विच इज प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस, जो सब्सटेंस दिया हुआ है, ओके, उस सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ओके, और एन नॉट क्या होता है, एन नॉट इज अवर एवोगैड्रोस नंबर, एन नॉट इज व्हाट, एवोगैड्रोस नंबर, जो अभी हमने लिखा हुआ है, ओके, एवोगैड्रोस नंबर कितनी है उसकी वैल्यू, 6.022 इनटू 10^23, समझ में आया, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दिस रिलेशन यू विल बी रिक्वायर्ड, ये रिलेशन हमें लगेगा, ओके, फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, ओके, फिर से देखो एक बार, मास ऑफ एनी सब्सटेंस, ओके, अगर हमें उसका मास निकालना है, उस सब्सटेंस का मास, ओके, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स है, ओके, कितने नंबर ऑफ मोल्स है उसमें, ओके, सो अभी हमें रिलेशन पता है, क्या रिलेशन पता है, वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, ओके, दैट इज व्हाट, वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, ये आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके, बुक में ऐसे नहीं दिया हुआ है, सो ये देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, वी नो दैट वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू व्हाट, दीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर है, ओके, एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, ये क्या है, दीज आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच इज प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, ऑलरेडी हमने बोला है, ओके, क्या है, वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स दीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ओके, तो अगर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है हमें, ओके, तो स्मॉल एन, ये जो एन है सिर्फ दिया हुआ है, एंड दिस इज एन नॉट, एन सब्सक्रिप्ट जीरो, एन सब्सक्रिप्ट जीरो इज व्हाट, एवोगैड्रोस नंबर, ओके, एंड एन इज व्हाट, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच इज प्रेजेंट, जो भी दिया हुआ है गिवन डेटा, तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ऑल दिस क्वांटिटीज निकाल सकते हैं, व्हाट इज एम, इट इज अ मास ऑफ सब्सटेंस, व्हाट इज एन, इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स, what is m, m is a molar mass of that substance, okay, so based on this we will try to solve some problems, all of you look at the page number 41, example number 3.3, sab log dekho example number 3.3, calculate, okay, ye formula iska screenshot le lo aap log, okay, so you will require this while solving numericals, ye hame lagega, look at the example number 3.3, एग्जाम्पल नंबर 3.3, ओके, क्या दिया हुआ है इसमें, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, बराबर है, क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग, ओके, फॉर द फॉलोइंग, व्हाट इज द फर्स्ट, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3.3 में 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ओके, क्या दिया हुआ है, 52 ग्राम ऑफ हीलियम दिया हुआ है, ओके, हीलियम एटम कौन सा है, हीलियम एटम है, ओके, और 52 ग्राम का है हीलियम एटम, और हमें निकालना क्या है उसके लिए, 52 ग्राम के लिए, 52 ग्राम के लिए क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है हमें, ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ओके, सो 52 ग्राम की क्या दिया हुआ है, गिवन मास, 52 ग्राम ऑफ हीलियम इज व्हाट, मास, ओके, देखो अभी मैं लिखता हूँ, मास, मास ऑफ एटम, ओके, मास जो दिया हुआ है, ओके, मास ऑफ एटम, मास ऑफ हीलियम, ओके, मास ऑफ हीलियम कितना दिया हुआ है, 52 ग्राम, ओके, मास किस में रिप्रेजेंट करते, स्मॉल एम में, तो ये कितना दिया हुआ है, 52 ग्राम दिया हुआ है, ओके, 52 ग्राम दिया हुआ है, ओके, नाउ व्हाट इज अ मोलार मास, व्हाट इज अ मोलार मास ऑफ हीलियम,
ओके, सो मोलर मास ऑफ हीलियम इज 4 ग्राम. ओके, तो कैसे उसका एटॉमिक मास ऑफ हीलियम देखो आप लोग. ओके, बुक में चेक करो एटॉमिक मास कितना है. एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, ओके, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम देखो कितना दिया हो, कितना है, 4 यूनिफाइड मास. ओके, 4 यूनिफाइड मास दिया हुआ है. तो मैंने आपको बताया है हाउ टू कन्वर्ट इट, कैसे कन्वर्ट करते हैं. ओके, ओके, सो लुक एट द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम. सब लोग देखो एटॉमिक मास ऑफ हीलियम देखो. ओके, चार्ट में देखो. ओके, उस टेबल में देखो एटॉमिक मास जो दिया हुआ है. ओके, यस, हाइड्रोजन के लिए दिया हुआ, हीलियम के लिए नहीं दिया हुआ है. तो हीलियम का लिखो एटॉमिक मास ऑफ हीलियम कितना है, 4U. ओके, व्हाट इज दिस 4U? यूनिफाइड मास. ओके, और मैंने अभी क्या बताया आप लोगों को कि कैसे कन्वर्ट करते यू को जी में. सिर्फ क्या कर देना है, उसको यू के आगे क्या लगा देना है, जी लगा देना है. दैट इज व्हाट मोलार मास हो जाएगा. वो क्या मिलेगा, उससे हमें क्या मिल जाएगा, मोलार मास मिल जाएगा. ओके, सो हाउ टू कन्वर्ट एटॉमिक मास इनटू मोलार मास, सिंपली यू हैव टू राइट डाउन, रिप्लेस दिस यू, यू को रिप्लेस कर देना है और आपको क्या मिल जाएगा, मोलार मास मिल जाएगा. तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं मोलार मास ऑफ हीलियम. ओके, सो देखो एटॉमिक मास को आई एम कन्वर्टिंग एटॉमिक मास ऑफ हीलियम व्हिच वाज गिवन 4U, 4 यूनिफाइड मास इनटू मोलार मास ऑफ हीलियम. और उसको कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सिंपल है, डायरेक्टली यू विल चेंज इनटू ग्राम. ओके, यू को क्या कर देना है, ग्राम में कन्वर्ट कर देना है. हो गया. ओके, तो हो गया, अभी ये ग्राम ग्राम में आ गया. चलो अभी फॉर्मूला यूज करेंगे. अभी निकालना क्या है हमें, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, द नंबर ऑफ मोल्स वी हैव टू फाइंड आउट. तो देखो फॉर्मूला में लिखता हूं अभी. ओके, फॉर्मूला में लिखता हूं, दैट इज मास, मास ऑफ सब्सटेंस. ओके, मैंने ऐसे ही फॉर्मूला लिखा था, मास ऑफ सब्सटेंस. अभी कौन सा सब्सटेंस है, हीलियम सब्सटेंस है, बराबर है ना, ये हीलियम है सब्सटेंस है. ओके, मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स. अभी ये पहली बार ही लिखूंगा मैं फॉर्मूला, उसके बाद बार बार नहीं लिखूंगा. सो नंबर ऑफ मोल्स यही तो निकालना है हमें. ओके, मल्टीप्लाई बाय इट्स मोलार मास. ओके, मोलार मास. ओके, तो देखो मास ऑफ सब्सटेंस किस में लिखते हैं हम लोग, स्मॉल m में. ओके, स्मॉल m में. और नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखते हैं हम लोग, स्मॉल n में. ओके, इनटू मोलार मास, मोलार मास कैसे लिखते हैं हम लोग, कैपिटल m में. निकालना क्या है हमें, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट स्मॉल n. तो देखो मोलार मास ऑफ हीलियम हमें पता चल गया, ये क्या है, मोलार मास है, कैपिटल m है, बराबर है. ओके, देन मास ऑफ हीलियम, ये वाला क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस है, ऑलरेडी मैंने लिखा है स्मॉल m. स्मॉल m इज इक्वल टू 52 ग्राम, कैपिटल m इज इक्वल टू 4 ग्राम. तो n की वैल्यू निकाल सकते हो आप, ये देखो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट इज स्मॉल m अपॉन कैपिटल m. व्हाट इज द स्मॉल m वैल्यू, 52 ग्राम्स. ये क्या है, 52 ग्राम है. ओके, और कैपिटल m की, कैपिटल m की वैल्यू कितनी है, दैट इज मोलार मास ऑफ हीलियम इज 4 ग्राम. ओके, सो डिवाइड करने के बाद ये देखो 52 डिवाइडेड बाय 4 आंसर विल बी 13. ओके, ग्राम ग्राम भी कैंसिल हो गया, बराबर है, बचा क्या 13. सो व्हाट इज द हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल्स टू 52 ग्राम ऑफ हीलियम, कैसे बोल सकते हो आप, द 13 नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 52 ग्राम ऑफ हीलियम. समझ में आया आप लोगों को भी. ओके, तो देखो हम लोगों ने कैसे निकाला हुआ है. ओके, सिमिलरली द सेकंड उसमें दिया हुआ एग्जांपल 3.3 में सेकंड जो पार्ट है उसका क्या है, 12.044 इनटू 10^23 नंबर ऑफ हीलियम एटम. ओके, अभी देखो हीलियम एटम भी दिया हुआ है यहाँ पे. ओके, तो इसको मैं मिटाऊंगा थोड़ा सा इस इक्वेशन को. ओके, सो व्हाट दे हैव गिवन, 12.044 इंटू 10^23 इंटू 10^23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, दीज आर द नंबर ऑफ हीलियम एटम, हीलियम एटम यानी क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है, दीज आर द नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, यानी क्या दिया हुआ है, कैपिटल एन दिया हुआ है. इन्होंने ये क्या दिया हुआ है, कैपिटल एन. मैंने आपको बोला था व्हाट इज एन,
इट इज अ गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इट इज अ गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स. देखो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, 12.044 इंटू 10^23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ एटम्स है. ओके अभी हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग. अगर उन्होंने स्मॉल, अगर उन्होंने अगर कैपिटल एन दिया हुआ है तो हमें, हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला लिखा था मैंने, देखो. ओके कैसे निकाल सकते हैं, स्मॉल एन इज इक्वल टू देखो फॉर्मूला में पुट किया था मैंने, एन अपॉन एन नॉट. ओके व्हाट इज एन, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, एन इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स. ओके नंबर ऑफ मोल्स, सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एन नॉट, एन जीरो. व्हाट इज एन जीरो, एवोगाड्रोस नंबर. एन इज व्हाट, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स. ओके कितना है नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स, 12.044 इंटू 10^23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10^23. देखो इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे. कितने मिल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स, ओके ये देखो 6.022 और ये 12.044, ये तो ये कैंसिल हो गया, ये इसके डिवाइड हो गया, ये बच गए 2. ओके सो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स आए यहाँ पे, ओके कितने नंबर ऑफ मोल्स, टू नंबर ऑफ मोल्स. ओके टू नंबर ऑफ मोल्स हमने मिले. सो इन द सेम वे विल ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम्स. ओके बाकी के प्रॉब्लम्स देखेंगे. कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग. ओके अभी देखो मास निकालना है, क्या निकालना है, मास निकालना है. इन दोनों केस में हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ मोल्स निकाला, हमने क्या निकाला, ये देखो स्मॉल एन इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स निकाला. अभी हम लोग निकालेंगे कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल नंबर 3.4. ऑल ऑफ यू लुक एट द एग्जांपल नंबर 3.4 एग्जांपल, देखो एग्जांपल नंबर 3.4 देखो एग्जांपल नंबर 3.4. ओके सो फोर क्वेश्चंस आर देयर. ओके वन बाय वन सॉल्व करेंगे हम लोग. कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग. ओके व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, कैलकुलेट द मास, वी हैव टू कैलकुलेट मास. ओके कैलकुलेट क्या करना है हमें, मास कैलकुलेट करना है, मास यानी स्मॉल m कैलकुलेट करना है. सो वेरी फर्स्ट, फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है उन्होंने, 0.5 मोल. ओके 0.5 मोल. ओके मोल ऑफ एन2. ओके ऑफ एन2 नाइट्रोजन गैस है. ओके ओके एन2 क्या है, दिस इज 0.5 मोल ऑफ एन2 गैस दे हैव गिवन. ओके हमें निकालना है मास निकालना है. ओके चलो नाइट्रोजन का मोलार मास क्या है, ओके वो देखेंगे हम लोग. तो देखो फॉर्मूला क्या है, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलार मास. ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखो आप लोग. ओके सो व्हाट इज मास ऑफ एनी सब्सटेंस, मास ऑफ नाइट्रोजन ओके इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 0.5 मोल्स है. ओके मल्टीप्लाई बाय मोलार मास, नाइट्रोजन का मोलार मास कितना है वो देखना पड़ेगा. ओके सो नाइट्रोजन का मोलार मास है 28. ओके मोलार मास कितना है नाइट्रोजन का, 28. आप लोग चार्ट से भी देख सकते हो. ओके और यू कैन फाइंड यस मोलार मास आप लोग देख सकते हो. ओके नाइट्रोजन है. ओके मोलार मास एन2. ओके ये आएगा 28 मोलार मास. ओके एक नाइट्रोजन के लिए कितना है, एक नाइट्रोजन के लिए है 14. एक मिनट, एक नाइट्रोजन के लिए 14 है. ओके वन नाइट्रोजन के लिए 14 है एंड दैट इज व्हाई. ओके N2 गैस के लिए, N2 नाइट्रोजन गैस के लिए, एक नाइट्रोजन के लिए 14 है उसका एटॉमिक मास यूनिट. ओके तो उसका मोलार मास क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाई बाय 2. नाउ नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना है N. ओके मास ओके N दिया हुआ है हमें. ओके नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 0.45 दिया हुआ है, हमें निकालना है मास. ओके मास निकालना है, कितना आया मास, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 28 कितना ग्राम आएगा, ये 14 ग्राम आएगा. ओके 14 ग्राम. ओके 14 ग्राम. सो इन दिस वे वी हैव गॉट द आंसर. सेकंड के लिए देखो अभी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग फास्ट. ओके 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम. ओके ये देखो
there is a difference between 0.5 mole of N2 atom, okay, and 0.5 mole of, okay, nitrogen atom. Okay, so difference देखो दोनों में difference है 0.5 mole of, पहले वाले केस में N2 गैस था, ओके, अभी क्या दिया हुआ है नाइट्रोजन एटम के लिए, ओके, नाइट्रोजन एटम के लिए, ये देखो नाइट्रोजन एक ही एटम है नाइट्रोजन, ओके, सो m इज इक्वल्स टू n इनटू m, फॉर्मूला हमें पता है, m क्या है मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास, ये देखो ये 28 कैसे आया, मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ, ये 28 कैसे आया, 1N2 का एक जो नाइट्रोजन है उसका कितना है 14 ग्राम है, ओके, तो है क्या ये नाइट्रोजन N2 है, सो 14 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 28 ग्राम, ये ऐसे आएगा, ओके, अभी यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का मोलार मास कितना है, नाइट्रोजन का यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है, ओके, और मोलार मास कितना है 14 ही लोगे, समझ में आया ना आप लोगों को, व्हाई दे हैव टेकन हियर 28 एंड व्हाई दे हैव टेकन हियर 14, एनी डाउट, समझ में आया क्या ये वाला, ये 28, ये 28 क्यों आया ये समझ में आया क्या, 28 इज why because एक नाइट्रोजन एटम के लिए, वन नाइट्रोजन एटम के लिए 14 ग्राम है, ओके, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट कितना है 14 U है, ओके, तो दो नाइट्रोजन एटम के लिए कितना हो जाएगा, दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कल ही हम लोगों ने ऐसे सॉल्व किया है, ओके, और फाइंड आउट किया है मोलार मास, फाइंड आउट किया है हमने मॉलिक्यूलर मास, ओके, मॉलिक्यूलर मास जो फाइंड आउट किया है, ओके, इट्स नथिंग बट द मोलार मास, ओके, सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आया, बट यहाँ पे देखो किसके लिए बोला है, एक ही नाइट्रोजन एटम के लिए बोला है, दैट्स व्हाई 14, सो द मास, ओके, मास ये देखो ग्राम में आएगा मास, और ये है 7 ग्राम, कितना है 7 ग्राम, ओके, 7 ग्राम है, थर्ड लेते हैं, थर्ड प्रॉब्लम, ओके, क्या दिया गया है उसमें दिया गया है नंबर ऑफ 3.011, ओके, 3.011 into 10^23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, नंबर ऑफ नाइट्रोजन दैट इज n एटम्स, ओके, ये दिए हुए हैं, तो ये क्या है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर दी नाइट्रोजन, ओके, हमें क्या निकालना है मास निकालना है, हमें क्या निकालना है मास निकालना है, ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला, ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मास, m इज इक्वल्स टू, ओके, m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलार मास, ओके, तो ये देखो अभी डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे, आप लोगों को ये तो समझ में आया ना व्हाट इज दिस स्मॉल m इंडिकेट्स फॉर, क्योंकि मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये इक्वेशन बहुत बड़ी है, ओके, m इज व्हाट मास ऑफ द नाइट्रोजन, ओके, मास ऑफ नाइट्रोजन, व्हाट इज n, n इज द नंबर ऑफ मोल्स, व्हाट इज कैपिटल m, कैपिटल m इज द मोलार मास, ओके, मोलार मास, ओके, मोलार मास, तो देखो n मैं कैसे निकाल सकता हूं, इसमें n कैसे निकाल सकता हूं बोलो, n इज इक्वल्स टू क्या होता है, यस, कैपिटल n अपॉन n नॉट, ओके, इसको n नॉट बोलते हैं, n सबस्क्रिप्ट 0 बोल सकते हो आप, इनटू m, बराबर है, तो देखो अभी हमें मास निकालना है, मास ऑफ नाइट्रोजन, n क्या है दिया हुआ है, कितना है 3.011 इंटू 10^23, ये दिया हुआ है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल से, गिवन नंबर ऑफ एटम से, ओके, और ये नो क्या है एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10^23, ओके, और व्हाट इज यम मोलार मास, मोलार मास नाइट्रोजन का कितना है 14 ग्राम है, हमें पता है, ओके, कितना है 14 ग्राम है, इसको सॉल्व करो, ओके, इसको सॉल्व करो, ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये देखो 3.011 है और ये 6.022 है, ओके, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 14, ये क्या हो गया 7 ग्राम्स हो गया, ओके, ये क्या हो गया 7 ग्राम्स हो गया, तो आंसर समझ में आया, सो इन दिस वे यू विल सॉल्व, ओके, 6.022 इंटू 10^23 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, ओके, और फोर्थ इसमें दिया हुआ है, फोर्थ केस में, ओके, फोर्थ में क्या दिया हुआ है, फोर्थ वाले इसमें 6.022 इंटू 10^23
नंबर ऑफ ओके एन टू मॉलिक्यूल्स। ये देखो बार बार ये क्या कर रहा है, कभी एन का दे रहा है नाइट्रोजन का, कभी कभी एन टू का दे रहा है। ओके सो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के लिए, नाइट्रोजन एन टू मॉलिक्यूल्स के लिए दिया हुआ है। ओके तो अभी हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज मास। ओके सो मास इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास, बराबर है। एंड नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू n अपॉन n नॉट मल्टीप्लाई बाय कैपिटल m। ओके तो देखो n कितना है दिया हुआ, 6.022 इनटू 10^23। इतने नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल से एवोगैड्रोस नंबर क्या है, वही है एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज 10^23। ओके मोलार मास n2 के लिए, बराबर है। फिर से देखो ये क्या हो जाएगा, 14 इंटू 2 हो जाएगा। एक नाइट्रोजन के लिए 14 ग्राम है उसका, ओके मोलार मास, मोलार मास कितना है एक नाइट्रोजन के लिए 14 ग्राम है। तो दो नाइट्रोजन एटम के लिए क्या हो जाएगा, 14 इंटू 2 हो जाएगा, दैट इज 28। तो ओके 28 क्या हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ओके बचा क्या, मास इज इक्वल टू 28 ग्राम। समझ में आया कैसे सॉल्व किया उन्होंने। ओके सो So in this way, they have solved this problem. Okay.